नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। कल से लेकर आज तक यानी 24 घंटे के अंदर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि राहुल गांधी का राह काल चक्र अच्छा नहीं है। कल सजा मिली और आज लोकसभा से सदस्यता चली गई, जिसका मतलब है कि अब राहुल गांधी सांसद नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि 24 में राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ पाए तो फिर राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, क्योंकि जो कानून है उसके मुताबिक 2 साल की सजा के बाद 6 साल तक और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। आखिरकार अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है, राहुल गांधी का अब क्या होगा, सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी पर मचे घमासान के बीच क्या क्या बयानबाजी हुई सुनिए एक बार। सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। हम अपने डिबेट पर चलें, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता क्या कुछ कह रहे हैं एक बार ले चलते हैं सीधे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कि आरोप में कांग्रेस पार्टी की सांसद को 2 साल की सजा सुनाई, इसमें ओबीसी समाज जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं अनेक बार उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था, जहर की खेती उन्हीं लोगों की मुंह से आई थी, विभिन्न समय में अपशब्द व्यवहार करके एक समाज को भारत की एक महत्वपूर्ण भले ही सामाजिक दृष्टि से उनकी मर्यादा आजादी की 75 साल में उतना ना बन पाए, लेकिन प्रजातंत्र में ही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है, ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया, इसमें समाज को राहत हुई, सकून मिली। मित्रों, सबको मालूम है भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो जरूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। देश का सवाल क्या है, राहुल गांधी की सांसदी पर संग्राम से किसको फायदा होगा, यानी ये जो संग्राम चल रहा है इसको किसको फायदा होगा, बीजेपी को या फिर कांग्रेस सिंपैथी का फायदा उठा पाएगी। क्या कांग्रेस और राहुल को नया विक्टिम कार्ड मिल सकता है, जो सिंपैथी की मैं बात कर रहा था,
क्या सांसदी रद्द होने से विपक्षी एकता को संजीवनी मिल जाएगी? कोर्ट की सजा और स्पीकर के फैसले के बाद अब क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? लीगल रेमेडीज क्या है, पॉलिटिकल रेमेडीज क्या है? एक नंबर चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ राजीव पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं। स्वाति मलिक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से है। अतुल सक्सेना, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से है। राजेश गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से है। और डॉक्टर सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। साथ ही साथ पंकज वोरा सर, एडिटोरियल डायरेक्टर द संडे गार्जियन हमारे साथ है। सबसे पहले पंकज सर के पास चलते हैं। पंकज सर, क्या कैजुअली लिया कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इस केस को? कोई भी बड़ा वकील दिल्ली से नहीं गया था, लोकल वकील किए गए थे। जब मामला यहां पर था और ऐसा था कि डिफेमेशन के इस केस में 2 साल की सजा हो सकती है, क्या लास्ट मूवमेंट पर राहुल गांधी यहां गए, तब समझा कि एनबीडब्ल्यू हो सकता है? और आगे अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? पंकज सर, है जो कि न्याय के साथ ताल्लुक रखती है, उसमें आपकी बात सही है कि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर ज्यादा कॉशियसली और बहुत सावधानी के साथ इस केस को लड़ना चाहिए था और उसमें बड़े वकील उतारने चाहिए थे और उनको पता था इसका अगर अंजाम, अगर कन्विक्शन हो गई तो क्या होगा, क्योंकि जो कानूनी जो इस वक्त लॉ है उसके मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन तो होनी ही थी। दूसरी चीज इसमें है कि जो जो कन्विक्शन हुई है ये सूरत कोर्ट के मजिस्ट्रेट के द्वारा, इसको ये लीगली चैलेंज होगी सेशंस कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाए। तो इसकी लीगैलिटी जो है अभी टेस्ट होनी बाकी है। लेकिन इसकी जो एक और डिमेंशन है वो है पॉलिटिकल, सियासी। उसमें जो है सियासी डिमेंशन में कांग्रेस के लिए एक बहुत भारी झटका है और जो है राहुल गांधी उनके सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस सोचती है कि, हमेशा सोचती आई है कि राहुल गांधी फिर से 2024 में इनकी लीडरशिप करते ये लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि ये बीजेपी के लिए भी कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बीजेपी, जहां तक का बीजेपी का सवाल है कि बीजेपी इसको जिस तेजी के साथ लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने ये फैसला लिया है, एक दो दिन रुक भी सकते थे लोकसभा के सेक्रेटेरिएट के लोग, लेकिन उन्होंने तो नियम अनुसार लिया है। लेकिन इसकी जो सहानुभूति फैक्टर है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ ज्यादती हुई है और जो है ये एक तरह से सोची समझी साजिश थी और जो है उनको एक तरह से डिस्क्वालीफाई करके बीजेपी ने एक बड़ा, बहुत बड़ा संदेश भेजा है कि जो हमसे हमारी खिलाफत करेगा उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लीगल डिमेंशन में एक और बात आती है कि मैं समझना चाहूंगा, जो बीच में इंटरप्ट करो, क्योंकि मेरी, मैंने जो बात करी, लोगों ने कहा कि जिस वक्त प्रोनाउंस हुआ था सीजीएम के यहां से, सेशन कोर्ट से, सूरत से, जब 2 साल का प्रोनाउंसिएशन हुआ कि साहब 2 साल के लिए सजा हुई, तो मॉरली आप एमपी उसी समय नहीं रहते, ये नियम है। हो सकता है आज हाउस में राहुल गांधी आए थे ठीक 11 बजे, 10 मिनट बाद हाउस एडजर्न हो गया था, उसके बाद 12 बजे आए नहीं वो, और लगभग 1 बजे नोटिफिकेशन दिया गया। स्पीकर इसमें, लोगों ने कहा, कुछ नहीं कर सकते। अगर कोर्ट का ऑर्डर है और इसमें कोर्ट किया गया, जो लक्षद्वीप के एमपी थे, जैसे ही ऑर्डर आया तुरंत ही सदस्यता आपकी खत्म हो जाएगी, उसमें बीच में रोक टोक कुछ भी नहीं हो सकती थी। देखिए, आपकी बात वो बिल्कुल सही है, रोक टोक उस तरह से नहीं हो सकती थी। डिस्क्वालीफाई तो फिर कल ही कर देना चाहिए था जब ऑर्डर आ गया था, तो जो है कि आज 1 बजे तक किस चीज का इंतजार था। नियम अनुसार आपकी बात सही है कि एग्जिस्टिंग लॉ के मुताबिक इनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो होनी ही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि राहुल गांधी खुद इसके भी जिम्मेवार है। 2013 में आपको याद होगा जब लालू यादव की कन्विक्शन के ऊपर को उसको बचाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस लाए थे जिससे 3 महीने का समय मिलता था जिसको की कन्विक्शन हुई है अपील करने के लिए। उस ऑर्डिनेंस की कॉपी को राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में सबके सामने फाड़ दिया था और उसका पूरा निराधार किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमरीका में थे उस वक्त और एक तरह से प्रधानमंत्री का भी निराधार था। तो जो है कि अगर वो ऑर्डिनेंस होता और कायम होता तो राहुल गांधी आज बच गए होते। लेकिन जो आपकी जो बात, जो आप कह रहे थे उस मुद्दे के ऊपर, आपकी बात सही है। जब लोकसभा और पार्लियामेंट चल ही नहीं रही, इतने दिनों से हर रोज एडजर्नमेंट हो रही है, तो जो है
आज भी एडजर्न हो गई थी, तो जो है इस डिसीजन को लेने में एक दो दिन और लग सकते थे अगर चाहते, लेकिन ठीक है उन्होंने इस रूल को इमीडिएटली इन्फोर्स किया जैसी जितनी जल्दी कर सकते थे, और उसका जो है अब इसकी रेमिफिकेशन जो है इसकी जो बहुत सारी वो है वो बीजेपी को और एनडीए को खुद झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज भी जो हैं वो भी राहुल गांधी के हक में जो आज तक कभी नहीं बोले, अभी तक ममता उनके खिलाफ बोल रही थी, ममता ने भी आज उनके हक में बोला, सिंपैथी कार्ड मैं वही कह रहा हूँ, क्या इससे ट्रिगर होगा, तो क्या यहाँ से राहुल गांधी टेक ऑफ करेंगे? कांग्रेस पार्टी कह रही है हमको फायदा होगा, ठीक है राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव पांडे जी, हमारे एडिटर पंकज सर कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों? दूसरा, कांग्रेस ने ऑफिशियल पोडियम से अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ये कोई लीगल मसला नहीं है, ये राजनीतिक मसला है और संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है। कल से ही कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता अधीर रंजन कह रहे थे कि सदस्यता के पीछे बीजेपी पड़ी हुई है। राजीव जी, देखिए राजीव जी, सबसे पहले जो विषय है इसमें भारतीय जनता पार्टी का इस विषय से कोई लेना देना। पहली बात, राहुल गांधी जी और उनके कई सारे लोग हैं वो लूज टंग वाले लोग हैं, उन्होंने जो अपशब्द इस्तेमाल किया था देश की एक बिजनेस कम्युनिटी के बारे में, एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में, कि सारे वैसे ही होते हैं, उसको लेकर के एक व्यक्ति कोर्ट गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ और वो वीडियो में वो बयान था। या तो ये जाके बोल देते कोर्ट में कि देखो भाई आपसे गलती हो गई, माफी दे दो, तो कोर्ट उनको छोड़ देती। जब वीडियो में बयान है, मैं अभी वीडियो पे बैठा हूं और मैं आपके लिए डिफेमेटरी शब्द का इस्तेमाल कर दूं, रदर जी मेरी बात अब समझने की कोशिश करिए, मैं एक डिफेमेटरी शब्द का इस्तेमाल कर दूं और मैं बाद में बोलूं भी नहीं कि रदर जी मैंने हीट में, डिबेट के हीट में आपको कुछ कह दिया या आप मुझे माफ कर दीजिए, तो लोग उनको कोर्ट में लेकर के गए। अब ये क्लियर कट एविडेंस था राहुल गांधी जी के खिलाफ, तो कोर्ट ने उनको कई बार मौका दिया होगा। हम लोग क्रिमिनल डिफेमेशन का केस करते हैं, ठीक है, और लड़ते भी हैं, डिफेंड भी करते हैं, तो उसमें अगर इन जो एविडेंस है उसको आप रिबट नहीं कर सकते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। आपको याद होगा जब अरुण जेटली जी के बारे में, वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी है जिनके मंत्री लोग आजकल जेल के दौरे पर है, उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, चार हियरिंग में माफीनामा राइटिंग में लिख करके दिया। राजीव जी, एक मिनट के लिए आपको रुकूंगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर आप ही के पार्टी के मंत्री हैं सर, आप नहीं सुनना चाहते आप मना कर दीजिए, आप कह दीजिए अनुराग ठाकुर को नहीं सुनना, आप बोल दीजिए मैं मान जाऊंगा। अनुराग ठाकुर जी क्या कह रहे हैं मैं सुना देता हूं। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे, कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में, तो देखिए थी राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी, क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे, लेकिन ये काम, ये जो लगता है कि डायनेस्टी का होने, तो मैं उससे ऊपर हूं, सबसे ऊपर हूं। दूसरा, मैं इस पर आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो, ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी, यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा, और ये सत्ता में थे तब तो ये नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया आज इनको पता नहीं चल पा रहा। 13 सालों में मात्र 21 चर्चाओं में भाग लेना, यही नहीं, एक भी सिंगल प्राइवेट मेंबर बिल जैसे मैंने कहा नहीं ला पाए। आई कैन से ही इज द एपिटम ऑफ द अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर एंड ही हिमसेल्फ एग्रीज ऑन मेनी इश्यूज। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या पहली बार हुई? जो माननीय धर्मेंद्र जी ने भी कहा, मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी सजा भोगी हुए तो इस्तीफा देना पड़ा,
पहले चारा घोटाला में, तो अब जाकर तुम मुझे प्लॉट दो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, जमीन के बदले जॉब, उसमें भी गए। ऐसे नहीं, आजम खान हो, मोहम्मद फैजल हो जो लक्षद्वीप के एमपी हैं, विक्रम सैनी, ऐसे बहुत सारे, लंबी लिस्ट है जी, जो सब ऐसे हैं। बट ये क्यों हुआ राहुल जी, की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं, बार बार की। और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे, 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है, एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए, तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेरल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है, ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो, जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जो इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पर इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पर भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना, उसके ऊपर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, वो साफ कह रहे थे कि इतने सारे वकील थे लेकिन कोई बड़ा वकील क्यों नहीं किया, एक पहली चीज। दूसरी चीज वो बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई सारे केसेस हैं जो राहुल गांधी के ऊपर चल रहे हैं। एक लंबा चौड़ा पैनल था, हम वापस अपने पैनल की तरफ चलेंगे, लेकिन एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा जी मुझसे जुड़े हैं। बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। थैंक यू सर। अभी केंद्रीय मंत्री थे अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा किसी ने सही सलाह राहुल गांधी जी को नहीं दी, पहला। दूसरा, इतने सारे लॉयर्स थे, उन्होंने ऑफिशियल ब्रीफिंग में कहा कोई भी बड़ा वकील क्यों नहीं गया राहुल गांधी जी के लिए। अब ये तो एक प्रकार से पोस्टमार्टम है, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि ये अनएक्सपेक्टेड था जो हुआ। एक गुजरात की मैजिस्ट्रियल अदालत में केस चल रहा था, आज तक इंडिया के इतिहास में किसी भी डेफमेशन के केस में मैंने इस तरह की सजा और मैक्सिमम सजा, कोई सेंटेंस बोलने के लिए कितना भी एसर्बिक सेंटेंस हो, कितना भी हर्टफुल भी सेंटेंस हो, तो भी आज तक कभी मैंने नहीं सुना कि सबको 2 साल की सजा हो रही है। तो जो कुछ भी हुआ अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सप्लोर्ड था, और ये सोच के भी परे था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रोसीजर से ट्रायल हुआ, जो हम लोगों को बातें बताई जा रही हैं, और जो खामियां थी उस ट्रायल में, अब ये सब चीजें एपिलेट कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। एंड हमको पूरा विश्वास है कि जब एपिलेट कोर्ट या हाई कोर्ट इन बातों को सुनेगा, संज्ञान मिलेगा, तो राहुल जी को जस्टिस मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जो संवाद एक टूटा है देश में, प्रजातांत्रिक संवाद, इस केस के माध्यम से मैं कहता हूं ये बहुत ही इसका दुष्परिणाम होगा, क्योंकि इससे लोगों के बीच में दुश्मनियां ही बढ़ेंगी, कोई दोस्ती तो बढ़ेगी नहीं। और मुझे याद है जवाहरलाल जी के वक्त, जब नेहरू जी के बारे में कितने अपशब्द बोले जाते थे, कितनी सारी बातें बोली जाती थी, नेहरू जी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। इंदिरा जी को क्या नहीं बोला गया, हमको तो याद है राम मनोहर लोहिया साहब कितना मजाक उड़ाते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे, इंदिरा जी ने तो कोई केस नहीं लगाया। राजीव जी के बारे में बोफर से लेकर, परिवार से लेकर, कौन सा अटैक नहीं हुआ, और सब बाद में झूठा सिद्ध हुआ, मगर राजीव जी ने भी अपना संयम नहीं खोया। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने आज जो ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन इस केस के माध्यम से जो राहुल जी पर लॉन्च किया है, ये काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा, ये देश में इसका आप देख लेना। राहुल जी सर, लीगल रेमेडी राहुल गांधी जी के पास क्या बचती है, क्योंकि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो 2 साल है, तो आप वापस सेशन कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि मुकदमा क्वैश हो, स्टे हो, या फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम हो, जिससे कि जो ऑर्डर आ जाया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट से वो रिवोक हो सके। देखिए, मेरिट्स पे ये केस को कॉन्टेस्ट किया जाएगा, आई एम श्योर, चाहे मैं करूं या कोई दूसरा वकील करे, हार्डली मैटर्स, कोई भी
वकील जो इसको कॉन्टेस्ट करेगा मेरिट्स पे करेगा, और सबसे पहले कन्विक्शन पे इस पे स्टे मांगेंगे, और पूरी हमको पूरी संभावना है, पूरा होप है कि सेशंस कोर्ट में ही ये स्टे मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य स्टे है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर नहीं है। ऐसे कई ऑर्डर हम लोग ने अपनी लाइफ टाइम में कराए हैं, हर वकील ने कराए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। और जहां तक ये पॉलिटिकल प्लॉट है, ये पॉलिटिकल प्लॉट तो पार्टी अपने लेवल पे इसको एक्सपोज करेगी, क्योंकि एक राहुल जी को समाव बीजेपी पचा नहीं पाती है, क्योंकि राहुल जी का अपना एक सोच है, अपनी एक विचारधारा है, और उस विचारधारा में वो अडिग है। सर एक सवाल और, वो जनता के मन में है कि आप सेशन कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, स्टे होता है, रिवोक होता है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम होती है, तो क्या वो ऑर्डर वापस लेकर आप लोकसभा स्पीकर के पास आते हैं कि साहब इसको रिवोक करिए? क्योंकि जो लक्षद्वीप वाला था उसमें तो बहस चल रही है, लेकिन अगर लोकसभा सेक्रेटेरिएट डायरेक्ट करती है और लेटर लिखती है इलेक्शन कमीशन को कि नहीं साहब आप चुनाव की तैयारी करिए, और इलेक्शन कमीशन चुनाव की तैयारी करता है, एक महीने तक आपको लीगल रिलीफ नहीं मिलता है और वहां बाय इलेक्शन होता है और 6 महीने बाद इसका जजमेंट आता है, ऐसे में क्या होगा? देखिए, अगर हम कानून की बात करें, हाँ सर, खाली कानूनी दृष्टिकोण से उसको देखें, तो जब कभी भी कोई ऑर्डर स्टे हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में ने उसको परिभाषित किया है कि स्टे का मतलब यह है कि वो ऑर्डर अब एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो नॉन एग्जिस्टेंशियल हो जाता है। अगर वो नॉन एग्जिस्टेंशियल हो जाता है तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसके बेसिस में आप किसी को पनिश कैसे कर सकते हैं, दंडित कैसे कर सकते हैं? तो ये लॉ प्रचलित भी था और इसको फॉलो भी करते थे, बट ऑफ लेट मैंने देखा जब से बीजेपी का ये रूल देश में आया है, तब से मैंने ये नोटिस किया है कि इन केसेस को वो रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। पहले रिस्टोर होते थे, मुझे अभी भी याद है मध्य प्रदेश विधानसभा का मैटर था, दो लोगों को एक्सपेल कर दिया गया था, हम हाईकोर्ट भी गए थे, उसके बाद वो एक्सपेल्शन ऑर्डर विड्रॉ हुआ था और उस विड्रॉल के बाद उनको रिस्टोर भी किया था। तो पहले एग्जाम्पल्स बहुत थे इस प्रकार के, और अब जो इशू मेरे को समझ आ रहा है कि बीजेपी इसमें एक फाइन डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहती है, हाँ, कि स्टे होने के बाद भी हम आपको रिलीफ नहीं देंगे, मगर ये मेरे को नहीं लगता ये कानूनी दृष्टिकोण से सही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात पेंडिंग है, अब यूपी के केसेस में भी ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है, पहुंच रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको एक फाइनल जजमेंट देना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ स्पीकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, और तमाम जानकारी देने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए कि आगे आखिर रास्ते कौन से होते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक तंखा सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि लीगल रास्ते राहुल गांधी के पास क्या है। वो भी कह रहे हैं ये राजनीतिक मामला है, बहुत हड़बड़ी करी गई। ठीक है राजीव जी, क्योंकि मैं आपको ही छोड़कर गया था, पहले अनुराग ठाकुर जी थे फिर विवेक तंखा जी आ गए, क्या ये एक राजनीतिक मसला है पहला? दूसरा, क्या जल्दबाजी करी गई संस्था खत्म करने में? जी दो बातें हैं, पहले मैं अपनी बात को केवल कंप्लीट कर लेता हूं एक लाइन से। तो जब उस मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि क्लियर कट प्रूफ है कि राहुल गांधी जी ने डिफेमेटरी एक पूरे समाज के और पर्टिकुलरली की टाइटल को लेकर के कहा और उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उन्होंने कन्विक्ट कर दिया, तो फिर उस क्वांटम पे बहस हुई, क्वांटम पे जो सजा है उनको 2 साल की सजा, उस सजा के कारण से। अब एक बात मुझे बताइए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये जो उनको अरेस्ट किया गया था उनके जो एक खेड़ा जी को, तो ये 2 घंटे में सुप्रीम कोर्ट जाकर के इन्होंने स्टे ले लिया था, तो ये कल से लेकर के आज तक कर क्या रहे थे 1 बजे तक। अब जब आप खुद लीगल प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो जो ऑलरेडी आज एग्जिस्टेंस में है, जिस समय 2 साल हो गया और आपने कहा 1 बजे तक इन्होंने क्यों इंतजार किया, हो सकता है कि पेपर आ रहा हो सकता है सर्टिफाइड कॉपी जमा हो रहा हो सकता है कि ये देख रहे हो क्या ये आज कोर्ट जाएंगे। अब ये नहीं गए तो जो लॉ है वो फॉलो हुआ और इनकी सदस्यता चली गई। 2-3 बातें मैं बताना चाहता था कि आपने देखा अनुराग ठाकुर जी ने 3-4 लोगों के नाम बताए और लोगों की भी सदस्यता गई है, और जो मैं मेन इश्यू कह रहा था कि जब कोई आदमी डिफेमेटरी स्टेटमेंट देता है, जैसे उसका हैबिचुअल ऑफेंडर है आम आदमी पार्टी और उनके नेता लोग,
तो एफिडेविट पे माफीनामा लिख करके दिया उस केजरीवाल ने, तो राहुल गांधी जी को एफिडेविट पर माफीनामा लिख के देना चाहिए था ठीक है कि भाई मेरे राजीव भाई आपको रोका क्योंकि मैंने पूरा एक बार जरा स्वाति जी के पास, स्वाति मलिक जी, स्वाति जी दो तीन चीजें, अनुराग ठाकुर जी को आपने सुना, कहा साहब बड़ा वकील क्यों नहीं भेजा, ट्रांसफर करा सकते थे केस, तीसरा जब रफाल वाले इशू में माफी मांग रहे तो राजनीतिक इशू में डेफामेशन का केस हो आदमी माफी मांगकर एक कदम आगे बढ़ जाता है, यहां तक मौका क्यों आया, और राजीव जी कह रहे एक बजे तक का इंतजार क्यों किया, आप 11 बजे मूव कर सकते थे कोर्ट स्टे के लिए, क्यों नहीं किया, क्या आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सदस्यता खत्म हो? अजी दो चीजें हैं इसमें, अब मैं राजीव जी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था वो एक पूरे समुदाय के खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ और वो एक एक कास्ट के खिलाफ दिया था। मैं बस एक सिर्फ आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए, आई एम श्योर आप भी वो क्लिप चला रहे होंगे, लेकिन आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए बस जो राहुल जी ने बोला था वो एक बार बोलना चाहूंगी कि अच्छा एक छोटा सा सवाल है कि सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढोगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे, इसमें किसी एक समुदाय का नाम नहीं है। और आप बता दीजिए कौन से मोदी हमारे देश के, हमारे भाई कौन से मोदी भाई नीरव मोदी से अपना रिश्ता बताना चाहेंगे या ललित मोदी से अपना रिश्ता बताना चाहेंगे, ये बता दीजिए कौन से, ये कौन से पोस्टर, ये दोनों क्या पोस्टर बॉयज है मोदी मोदी कम्युनिटी के, बिल्कुल भी नहीं। और जो एक बात और रजी, जो इंसान गया है जिसने डेफेमेशन में कंप्लेन डाली है वो नरेंद्र मोदी जी नहीं गए, ना वो नीरव मोदी गए, ना वो ललित मोदी गए, वो एक इंसान जो बात कह रही है वो मेरिट ऑफ द केस पे नहीं होगा जो आप बात कर रही हैं। मैं आपकी तर्क से मैं आप या तो जज पर सवाल खड़ा कर दीजिए कि नहीं साहब जो आपका अभिभाषण था वो बिल्कुल करेक्ट था, आप बोलिए इस बात को जज गलत है, मैं नहीं बोल सकता हूं। नहीं आप बोल दीजिए इस बात, आपने अगर सेंटेंस फ्रेम किया दोबारा पढ़ा तो आप कहिए नहीं साहब जज गलत है, दोबारा हम उस जज में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको स्टे लेने के लिए वापस वही सीजीएम कोर्ट में जाना पड़ेगा। स्वाति जी आप आज ये बात कह रही तो कल वहां जाकर नहीं खड़ी हुई है, पहला दूसरा करंट कर, अगर आप इसको रिपीट कर रही हैं, इन लाइनों को रिपीट कर रही हैं, तो आप सीधे सीधे इस बात को कह रही हैं कि जिस जज ने ऑर्डर प्रोनाउंस किया वो जज गलत है, ये अब मानना का केस होगा। स्वाति जी मैंने बोला ही नहीं ये बात, किसी भी जजमेंट को क्रिटिसाइज करना जुडिशरी के क्रिटिसिज्म नहीं होता, प्लीज आप दोनों चीजों कंफ्यूज मत कीजिए। आज के दिन हमारे हमारे हम लोग ये बात, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था, तीन चार पॉसिबिलिटीज थी, आप आज मूव कर सकते थे स्टे के लिए, आपने नहीं किया, कांग्रेस के इतने सारे बड़े वकील हैं, किसी बड़े वकील को आपने क्यों नहीं भेजा, तीसरा डेफामेशन के कई सारे केस थे, रफाल भी एक डेफामेशन का केस था, आपने वहां माफी मांगी, आप यहां भी कह देते कि साहब किसी समुदाय को हमको कोई हानि नहीं पहुंचानी, We don't want to hurt any sentiment. बात आगे बढ़ जाएगी। जवाब देंगे। मैं बताती हूँ अपील क्यों नहीं फाइल हो सकी। 170 पेज का गुजराती का ऑर्डर है, ट्रांसलेशन अभी तक हो रही है, एक पूरा प्रोसेस होता है, कंसल्टेशन के बाद ड्राफ्टिंग होती है, फाइलिंग होती है, क्या बात कर रहे हैं? एक पेज का तो ऑर्डर है नहीं। एक मिनट राजीव जी, आई डिड नॉट इंटरप्ट, मैं राजीव जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए। एग्जांपल दिया राजीव जी ने, बोला पवन खेड़ा जी सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपको पता है पवन खेड़ा जी के में क्या मुद्दा था, उनके खिलाफ 3 जगह FIR हुई थी, इसीलिए वो कल्मिनेशन ऑफ FIR के लिए गए थे। अलग अलग चीजें, इतनी गलत चीजें बोली जाती है नेशनल टेलीविजन पे, बिल्कुल लीगल क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल लीगल क्लैरिटी नहीं है। राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब ने भी समर्थन किया है और कहा है कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ। गुप्ता जी देखिए, जो गलत होगा उसको गलत ही कहा जाएगा, हम न्यायपालिका पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो ऑर्डर आया है हम उसे गलत मानते हैं। और जैसे कहा अभी अभी आपने सुना कि जो भी जजमेंट आती है उसको क्रिटिसाइज करने का हक है, अगर हमें लगता है सही नहीं है उसी के लिए तो अपील में जाते हैं ना, क्योंकि हम जजमेंट से सहमत नहीं है तभी तो अपील होती है हायर कोर्ट में, अगर सहमत होते तो सजा मान ही देते। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम किसी भी गलत चीज के खिलाफ है, हमें ये अगर ये लगता कि सही होता तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये कायराना हरकत है, ये तो एक माहौल बनाने का तरीका है कि जो कोई भी हमारे खिलाफ दिखाई देगा बोलेगा आप उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे, एक ही पार्टी रह जाए, पूरी तरह तानाशाही हो, टेक्निकल चीजों को ढूंढना, एस्पेक्ट्स को ढूंढना, भाई हम उसमें नहीं जाना चाहते।
हमारा पॉइंट बहुत क्लियर है कि देश में डेमोक्रेसी है, कुछ बातें बोलने का अधिकार प्रजातंत्र से हमको मिला हुआ है। अरे भाई हथियार थोड़ी उठाने का अधिकार, बोलने का अधिकार भी छीन लोगे, बोलने की अभिव्यक्ति सबसे पहले उसको भी आप छीनना चाहते हो, ऐसे तो देश नहीं चल पाएगा। देश की आजादी किस बात की थी, राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश जी भी हमारे साथ आ रहे हैं। एक मिनट जी, मैं एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट। तीन चार गेस्ट हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ गई, रीच आउट नहीं हो पाए, इसलिए मैं एक एक कमेंट ले लूं फिर आता हूं आपके पास। सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक मायने इसके क्या है, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहती थी 24 में विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, उसको एक सेटबैक लगा है? पहला। दूसरा, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होगा? वो कहेंगे कि हम तो यही कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ा खतरा क्या होगा? देख लीजिए, एक डेफामेशन के केस में आपकी सदस्यता जा रही है। सतीश प्रकाश जी, नहीं देखिए, अदालत में ये कानूनी मामला हो सकता है, लेकिन जनता की अदालत में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मामला है। और देखिए, आप ही अभी आपने देखा होगा कि तमाम बीजेपी के पक्ष के जो उसके मंत्री, चाहे अनुराग ठाकुर हो या अभी जो बोल रहे थे पांडे जी, देखिए दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि बार बार बीजेपी की तरफ से ये आवाज आ रही है कि कांग्रेस ये चाहती थी कि इस मामले को कहीं ना कहीं अदालत की इस लड़ाई को जनता की अदालत के बीच में लेकर के जाए। और जैसा अनुराग ठाकुर या तमाम लोग भी कह रहे हैं कि एक बड़ा वकील नहीं किया गया या एक छोटे वकील से काम चलाया गया या सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते थे, निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका राजनीतिक लाभ होने वाला ही है। 100% राहुल गांधी को, राहुल गांधी की इमेज को, कांग्रेस को इस घटना से लाभ होगा। और ये बात मैं और आप नहीं जानते, ये कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये जानती है कि हो सकता है कि ये बीजेपी का एक बड़ा कहीं ना कहीं गलती सिद्ध हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बहुत समय नहीं है और राहुल गांधी जितने बड़े लीडर हैं उनको अपनी आवाज कहने के लिए, अपनी बात कहने के लिए सिर्फ लोकसभा नहीं हो सकती, उनके लिए जनता की अदालत या सड़क के माध्यम से। अतुल सक्सेना जी, समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश जी की बात हमने सुनी, उन्होंने कहा गलत है। क्या विपक्ष एक होगा? लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो घटना हुई है ये विपक्षी फेविकॉल को और मजबूत करेगी। सक्सेना जी, राजीव भाई इसके बाद आपके पास। आवाज मिली है अतुल जी आपको? अतुल सक्सेना जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, आता हूं आपके पास। राजीव जी आपके पास दो चीजें, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वो कह रहे हैं थोड़ी जल्दबाजी बीजेपी कर गई इस पूरे मामले में, कहा इसका राजनीतिक फायदा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को मिलेगा, सिंपथी मिलेगी, और कंपेयर कहां किया जा रहा है, पूरा सवाल सुन लीजिए राजीव, कंपैरिजन उस मुकदमे से हो रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन से जो इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ 75 में, और कहा 77 में सीटें देख लीजिए कितनी थी। राजीव जी, देखिए ये विषय तो फ्यूचर में तय होगा कि क्या नुकसान क्या फायदा, लॉ इस हिसाब से नहीं चलता। मैंने आपको अपने ओपनिंग कमेंट में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे विषय से कोई लेना देना नहीं है, एक लीगल प्रोसेस है जो ऑन है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि गुजराती में था ऑर्डर, अरे गुजरात में ही सेशन कोर्ट आपको जाना था, आपके पास गुजरात में वकील नहीं है क्या? क्या आप मतलब ट्रांसलेशन तो होगी, कंसल्टेशन के बिना चले जाए, बिना किसी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं हमको बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं। गाली किसी ने नहीं दी, गाली नहीं दे सकते हो, गाली तब देते हैं, गाली तब दिए जाते हैं, गाली उसको कहते हैं जब राहुल गांधी के बारे में आप बोलते हैं। माननीय अरुण जेटली जी जो नहीं है उनसे माफीनामा लिख करके दिया अरविंद केजरीवाल ने। मैं बार बार आपको रजत जी जो मेन फोकल पॉइंट है उस पर ले जा रहा हूँ। देखिए पॉलिटिकली क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, मैं आपको कह रहा हूँ कि देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से अपनी गलती करने के बाद उस गलती पर माफी नहीं मांगने, रफाल में मांगा माफी आपने भी कहा, और देश में कई नेता है मैं नाम गिना सकता हूं, कांग्रेस के 25 नेता ने हाथ जोड़ करके एफिडेविट पर नोटराइज करा के दिया कि गलती हो गई। भाई जब राम जेठमलानी जी वो केस लड़ रहे थे तो केजरीवाल जी ने हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके माफी मांग ली एफिडेविट पे अरुण जेटली जी से। अब राहुल गांधी जी ने एक समाज को गाली कि क्या सारे मोदी ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं इसको भी ट्विस्ट करके पढ़ रहे हैं,
ये वर्ड टू वर्ड है सर, ये वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट है, कोई ट्विस्ट नहीं है। आप वीडियो प्ले कर लीजिए, आप वीडियो प्ले करके देखिए। रघु जी मैं एक बात बताता हूँ, इस विषय में जो लॉ है वो अपना एक्शन में चल रही है, लॉ अपने मोशन में है। आप अगर नहीं करेंगे तो जो लॉ का काम है ठीक है। एक क्वेश्चन स्वाति आपसे डायरेक्ट, स्वाति क्या कांग्रेस को लगता है कि यहां से एक सिंपथी वेव शुरू होगी, क्योंकि 24 की लड़ाई सामने, मान लीजिए मंडे को हाउस सैनिटाइज भी हो जाएगा, एक सेशन दो सेशन और बचता है, कितनी सिटिंग होगी मैक्सिमम 40 से 45 दिन की, बजट सेशन मेन रहेगा, उसके बाद चुनाव है। कांग्रेस को क्या लगता है और राहुल गांधी को कि एक तरफ यात्रा करी लोकतंत्र परिवार सीधे मोदी से लड़ाई, विपक्ष के सारे नेता बौने हो जाते हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, क्या कांग्रेस उस स्ट्रैटेजी पे चल रही है? रघु जी ये जो 2024 के जो इलेक्शन है और उसका उसके उसकी ही बौखलाहट है जो बीजेपी में नजर आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए, नोटबंदी पे किसने बात की, किसने आवाज उठाई पार्लियामेंट में? कांग्रेस ने उठाई। जीएसटी पे कौन बोलता है? कांग्रेस बोलती है, राहुल गांधी बोलते हैं। चाइना पे कौन बोलता है? राहुल गांधी बोलते हैं। और अब अदानी पे जब बात आई, किसानों के हित में किसने बोला शुरू से? फार्मर्स के लिए किसने बोला? राहुल गांधी ने बोला। और अब जब अदानी पे सवाल उठा, आप अभी तक बात कर रहे थे कि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस से तो वे बौखला गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग साथ आए हैं, जो इन्होंने कहा था कि कोई नहीं है, राहुल गांधी इररेलेवेंट है, यात्रा फेल होगी, उन्होंने खुद देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कैसे सीना तान के राहुल गांधी चले हैं और कैसे उनके साथ पूरे देश के लोग जुड़े हैं, उसी से ये तड़पड़ाहट है। इन्होंने ईडी ने उन्होंने ईडी को उनके पीछे लगाया, दिनों दिन इन्वेस्टर उनसे क्वेश्चनिंग की, घंटों बिठाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, राहुल गांधी चुप नहीं हुए। दिल्ली पुलिस का अब नोटिस आया सिर्फ उन्हें फिर डराने के लिए, राहुल गांधी चुप नहीं हुए। और एक और बात मैं आपको टाइमलाइन के लिए इनके लिए बता दूं, बहुत जरूरी है, ये जो भाषण था ये अप्रैल 2019 में कर्नाटका में दिया गया था और उसके बाद अप्रैल 2019 में ही सूरत में ये फाइल हो जाता है, एक डेफेमेशन केस फाइल कर देते हैं। 2021 में जब राहुल गांधी जी को पहली बार बुलाया गया उस टाइम के सीजेएम ने, राहुल गांधी गए हैं जून 2021 में। अभी राजीव जी ने बोला शायद राहुल जी गए नहीं होंगे इसलिए उनके खिलाफ केस हो गए, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आपने मैंने बोला था शुरू में कि वो गए नहीं गए। उसके अलावा बता दूं आपको, मां सबसे रजत जी सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे एक चौंकाने वाली बात आपको जो लगेगी, जून 2024 में जून 2021 में संसद नहीं है सर, रुक जाओ सर, शांति। मार्च आपको एक बात बताऊं रजत जी, राहुल गांधी 7 मार्च 2022 को कंप्लेनेंट जो है वो खुद हाईकोर्ट जाते हैं और अपनी कंप्लेन, लेकिन लोग यही कहेंगे कि इस चीज को कैजुअली नहीं लेना चाहिए था। स्वाति जी आप पूरी रात बहस करिए, कैजुअली की बात ही नहीं है, आप पूरी रात बहस करिए, ये मुकदमा उसी बात पे खारिज हो जाएगा आपका कि आपने एक कैजुअल अप्रोच रखी। आप मुझे आपके साथ पहली बार डिबेट कर रहा हूँ लेकिन पीछे जो किताबें देख रहा हूँ स्वाति जी, जो पीछे आपकी किताबें देख रहा हूँ, क्या आप भी लॉयर है? आप भी लॉयर है? बिल्कुल। लोग इस बात को पूछ रहे हैं, तनखा साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, जितने भी बड़े लॉयर्स हैं, कोई लॉयर गुजरात क्यों नहीं गया? क्योंकि ये केस एकदम ओपन एंड शट केस है, इसमें बड़ा लॉयर कानून को देखे सबके लिए, चाहे वो कोई छोटा वकील, आप वहीं पर अतुल जी के पास जाइए, अतुल जी अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है क्या जो फेविकॉल है विपक्ष, आ रहा हूं विपक्ष वाला, क्या वो और तेज होगा, विपक्ष एक करीब आएगा इस फैसले के बाद? अतुल सक्सेना जी, जी रजत जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। ठीक है सर, एक बार फिर से कोशिश करेंगे, एक बार पंकज सर के पास चलेंगे। पंकज सर, दो तीन चीजें, क्या एक सिंपथी वेव राहुल गांधी को मिलेगी सदस्यता खत्म होने से पहला? क्या वो प्रूफ कर पाएंगे अपने आप को कि हां साहब वही विपक्ष के बड़े नेता हैं? पंकज सर, बात के दो पहलू हैं कि जो है सहानुभूति का जहां तक सवाल है, मेरे को लगता है कि उनके साथ लोगों की सहानुभूति होगी। लोग मेरे से पहले कुछ पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि एक अदालत का फैसला होता है और दूसरा जनता की अदालत का फैसला होता है। जनता की अदालत में लोगों को लगता है कि ये जो है जो पनिशमेंट दी है, जो उनके साथ उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ये बहुत ज्यादा हार्श और एक्सेसिव है।
ये जो है कि ये बात इधर तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, चाहे वजह जो भी रही हो, चाहे कांग्रेस के वकील पहुंचे या ना पहुंचे, चाहे राहुल गांधी ने खुद इसको लाइटली टेकअप किया या जो है कि कोर्ट को अपनी बात को अपने पक्ष को ठीक से समझा नहीं पाए, जो भी कारण हो, लेकिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है। लेकिन इसकी सहानुभूति मेरे को लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग राहुल गांधी के साथ जरूर होगी और इसका कांग्रेस को जो है कि फायदा होगा, लेकिन उस फायदे का फायदा कांग्रेस तभी उठा पाएगी अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि उसका संगठन जो है पिछले 22-23 साल में बिल्कुल बिखर चुका है, और जब संगठन नहीं होता तो जो है कि जो बात लोग कह रहे हैं उसको चैनलाइज करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये तो एक सवाल है। दूसरा जो है वो है कि जो है बीजेपी जो है पॉलिटिकली बहुत ज्यादा तेज, और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह 24/7 पॉलिटिशियंस हैं और वो कुछ भी मतलब हर चीज को सोच समझ के जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन इस बार जो लगता है कि थोड़ा चूक गए हैं। और खैर उनका इसमें डायरेक्टली तो रोल कोई नहीं है क्योंकि ये कचहरी का फैसला है, लेकिन जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो इशू था इसको एक दो दिन तक टाला जा सकता था कि मैग्नेनिमिटी दिखाई जा सकती थी, ठीक है। और वक्त की थोड़ी कमी है, सर आप प्रोग्राम देश के सवाल में आप तमाम मेहमान आए, बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है, कोशिश ये थी कि समझे कि आज राहुल गांधी का सदस्यता जो खत्म हुई है उसके पॉलिटिकल मायने क्या है। एक पक्ष कहता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस पूरे मसले को बहुत कैजुअल लिया इसलिए स्थिति आई, तो दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि राहुल गांधी को इससे राजनीतिक फायदा होगा जैसा 70 और 75 के दौरान इंदिरा गांधी को हुआ था। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए हमारी खास पेशकश, देखिए मिलती